नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब मंगल खाना नंबर 8 में होगा। मंगल जब भी खाना नंबर 8 में होगा तो ये शनि का हेडक्वार्टर है और मंगल का ये पक्का घर है। इस घर में मंगल हमेशा उम्दा रिजल्ट देगा, बशर्ते खाना नंबर 2 जो है या तो वो खाली हो या मंगल के दोस्त बैठ जाए वहाँ, चंद्रमा या बृहस्पति। इसी तरह मंगल 8 वाला इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में उससे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसके हालात, अगर नेक हालात का है मंगल तो उसकी ज़िंदगी के हालात काफ़ी उम्दा किस्म के होते हैं, लेकिन उसे संघर्ष भी काफ़ी करना पड़ता है। ऐसा इंसान मेहनतकश होता है और न्याय करता होता है, न्यायप्रिय होता है ऐसा इंसान, और अपनी ज़िंदगी में वो अपने जो विरोधी हैं उनको पटकनी देने की क्षमता रखने वाला, ऐसी हिम्मत का मालिक बोला गया। जब खाना नंबर 8 में मंगल को बुध का साथ मिल जाए तो बुध और मंगल दोनों ही नेक किस्म के होंगे, बशर्ते शनि कायम हो, यानी उसके घर के जो पिछला पार्ट है वो अंधेरी कोठरी अगर उसके कायम है तो शनि के उस उम्दा कायम होने की वजह से मंगल बुध दोनों के ही रिज़ल्ट अच्छे मिला करते हैं। अब हम समझते हैं कि मंगल खाना नंबर 8 में मंदे हालात या इसकी निशानियां किस तरह से हैं और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। खाना नंबर 8 वाले का, जब मंगल खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे इंसान के जो छोटे भाई हैं उसमें और टेवे वाले में कम से कम 4 वर्ष या 8 वर्ष का अंतर होता है। ये एक चीज़ निशानी होगी मंगल 8 में। इसके अलावा मंगल 8 वाला इंसान अगर मंगल बद्ध की कुंडली है या नहीं भी है तो भी मंगल 8 वाले इंसान को बेवा स्त्री का आशीर्वाद लेना उसे तार देगा, उसे ज़िंदगी में काफ़ी प्रोग्रेस कराएगा अगर वो बेवा स्त्री का आशीर्वाद लेता रहता है। और मंगल बद्ध का भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है किसी भी बेवा स्त्री का आशीर्वाद लेना। मंदे हालात हो रहे हो या बीमारियां घर से ना जा रही हो तो ऐसे इंसान को जब भी वो रोटी पकाने का तवा जब गर्म हो जाता है तो रोटी पकाने से पहले ठंडे पानी के छींटे उस पर मारें तो घर की जो बीमारियां हैं वो कम होती चली जाती हैं और बीमारियों में जो टैबलेट्स के लिफाफे हैं वो कम होते चले जाते हैं। ये चीज़ आप करें अगर मंगल 8 में आपको नेगेटिव सिम्टम्स का दिख रहा है तो, या मंगल बद्ध के कंडीशन है तो। मंगल 8 वाले इंसान को अपने जद्दी मकान में या अपने घर में तंदूर या भट्टी नहीं रखनी चाहिए। पुराने ज़माने में क्या होता था कि कुछ समय ऐसे मकान होते हैं जहाँ ज़मीन में खड्डा करके जब शादी ब्याह का समय आता है तो ज़मीन में थोड़ी सी जगह बना के वहाँ भट्टी या तंदूर का निर्माण करवा देते हैं और फिर उसको शादी ब्याह निपटने या फंक्शन निपटने के बाद उसको वापस पैक कर देते हैं और वापस जब दूसरा फंक्शन आता है तब उसको वापस खोल दिया जाता है। तो इस तरह तंदूर या भट्टी का मौजूदगी या कायम रहना ये मंगल बद्ध का प्योर सिम्टम है। तो कोशिश करें कि घर में तंदूर या भट्टी ना रखें आप, तो मंगल बद्ध से बचाव होता रहेगा। इसके अलावा साउथ फेसिंग मकान में रहना भी मंगल 8 वाले के लिए मनाही किया जाता है कि उसे साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए मंगल 8 वाले इंसान को। इसके अलावा मंगल 8 में अगर मंगल बद्ध की तबीयत का है या मंगल के उम्दा हालात ज़िंदगी में आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि 8 मीठी गुड़ की रोटियां 43 दिन तक कुत्तों में बांट दें, आप कुत्तों में तकसीम कर दें, उनको खिला दें। इससे मंगल को केतु की मदद मिल जाती है और जो इसमें गुड़ की मात्रा जो है वो बहुत ही कम रखें क्योंकि ये हमें कुत्तों को खिलानी है तो ज़्यादा मीठा कुत्तों के लिए सेहत के लिए दिक्कतें पैदा करता है। इसलिए गुड़ जो है वो नाम मात्र का यूज़ करें, सिर्फ हल्का सा मीठा करने के लिए उसको गुड़ यूज़ करें। इससे मंगल बद्ध की या मंगल 8 की जो खराबियाँ हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। ये रेमेडी करिए, बहुत ही अचूक रेमेडी है ये। और मंगल बद्ध में जो सिम्टम्स मैंने बताए थे, जो प्रिकॉशन बताई थी, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आप कुंडली के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।